वहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठजन, उत्तर भारत समेत देश के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो कि इन दिनों जिला परिषदों के या जिला पंचायतों के अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं, उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं, और आज हमारे ये विशेष तो जम्मू कश्मीर से आए DDC के अध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद है, उपाध्यक्ष भी मौजूद है, उसी प्रकार से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी, वैसे विभिन्न प्रकार के दायित्व और व्यवस्थाओं को संभालने वाले अनेक प्रमुख व्यक्ति आज इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में है। साथियों, आज देश अमृत काल के संकल्पों की सिद्धि के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरे उत्साह से एकजुट होकर के, संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ रहा है, और विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता हमारे Tier 2, Tier 3 शहर हो या आधुनिक हो रहे हैं हमारे गांव हो, आज ग्रामीण भारत में, छोटे छोटे कस्बों वाले हिंदुस्तान में एक नया उमंग, नया जोश दिखता है। जिला पंचायतें किसी भी सेक्टर में बड़े परिवर्तन लाने की अपार शक्ति रखती हैं। ऐसे में भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर आप सभी की भूमिका बहुत ही बड़ी हो जाती है। साथियों, अमृतकाल की 25 वर्षों की यात्रा में हमें बीते दशकों के अनुभवों को भी ध्यान में रखना होगा। आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी, उसे कांग्रेस शासन में उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। यानी गांव में बसने वाली देश की 2/3 आबादी के लिए अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जीवन की प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरसना, यही उनकी नियत बन गई थी, नियति बन गई थी। यही वजह है कि आजादी के 7 दशक बाद भी देश के 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी। यही वजह है कि देश के 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को नल से जल नहीं मिल सकता था। पंचायती संस्थाओं को कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने अपने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के एडजस्टमेंट का अड्डा बना दिया था। कांग्रेस के राज में
पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास कभी नहीं किए। ज्यादातर कार्रवाई आंकड़ों में और कागजों में ही सीमित रही और जम्मू कश्मीर तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पहली बार ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के चुनाव हुए। इनमें अब वहां 33,000 से ज्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए। पहली बार वहां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है। अब बताइए, आजादी के इतने सालों के बाद, साथियों आप ये भी जानते हैं कि 2014 के बाद से भाजपा सरकार ने जिला परिषद और स्थानीय स्वराज को मजबूत करने के लिए कितना काम किया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। ये पिछली सरकार के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। पिछले 9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत घरों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए नए ऑफिसों का भी निर्माण किया गया है। साथियों, विकसित भारत के लिए आपके जिले का विकसित होना भी उतना ही जरूरी है। और इसलिए जब भाजपा के जिला परिषद के नेता यहां बैठे हैं, आप सबको ये 2 दिन में कई विषय चर्चा में आएंगे, लेकिन आप आपस में भी बात कीजिए कि 2047 में हमारा जिला भी विकसित होना चाहिए, देश के किसी भी पैरामीटर में पीछे नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कैसे काम करेंगे, कौन क्या काम करेगा, कब काम किया जाएगा, आप अपना 5 साल का नक्शा तैयार कर लीजिए। वैसे 5-5 साल की योजना बनाकर 47 तक, और इसके लिए आपके जिले में कौन कौन सी योजनाएं जरूरी हैं, आपको इस पर दिमाग खपाना चाहिए, सरकारी अफसरों को लेकर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। कई जिले ऐसे होते हैं जहां एक योजना जरूरी नहीं होती लेकिन दूसरी बहुत जरूरी होती है। अब आप तय कर सकते हैं क्या, आज जब दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, आपके जिले के वो कौन से उत्पाद है, किसानों की वो कौन सी पैदावार है, कारखानों में से बनी हुई वो कौन सी चीज है जो दुनिया के बाजार में पहुंचेगी, जिले से एक्सपोर्ट होगा, क्या कभी आपने उन लोगों की मीटिंग बुलाई कि भाई बताइए आपकी कौन सी चीज विदेश जा सकती है। आपके जिले में GST कलेक्शन, क्या कभी जिले का हिसाब लगाया कि पहले की तुलना में कितना GST कलेक्शन बढ़ा है, चोरी तो नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। जितना ज्यादा GST कलेक्शन होगा उतना विकास के लिए धन उपलब्ध होगा। आपके जिले से ऐसी कौन सी विशेष उत्पाद है जिसको GI टैग मिले, और आजकल दुनिया में GI टैग वाली चीजों की एक मांग बन गई है। अब आपको ढूंढना चाहिए ऐसा काम करने वाले लोगों को। अब आपको पता होगा मेरे यहां बनारस का पान जो है ना, वो भी GI टैग है।
तो ऐसी बहुत सी चीजें आपके यहां भी हो सकती है। आपके जिले में ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल, ये अभियान कैसे चले? क्या जिले में 5 गांव ऐसे बना सकते हैं जो पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलते हो? अभी आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस के महासचिव देखने के लिए गए थे मोढ़ेरा, देश का पहला सोलर विलेज बना है। आपने सोचा है कि आपके जिले में क्या करेंगे? क्या आपने सोचा है कि आपके जिले की जितनी सारी स्ट्रीट लाइट्स है, एक भी स्ट्रीट लाइट ऐसा न हो जहां का बल्ब एलईडी बल्ब न हो? डेली पूछा जाए, उसके कारण बिजली का पैसा बचेगा, वो और काम में आएगा। आप ये तय कीजिए, जैसे पूरे देश में चला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आपके जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे विस्तार किया जाए। और जो लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहचान बन रही है, आपके जिले को पूरा राज्य और पूरा देश इस प्रोडक्ट के नाते जाना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी प्रकार से एग्रीकल्चर का भी हो सकता है कि आपके जिले में कौन सी ऐसी फसल है जिसके कारण आपका जिला पहचाना जाए, ये ताकत देता है। उसी प्रकार से देश के नौजवान बहुत तेजी से खेलकूद की दुनिया में आगे आ रहे हैं। आप तय कीजिए, आपके जिले में खेलकूद की सबसे ज्यादा महारत है, ऐसे एक या दो या तीन खेल कौन से हैं? पूरी ताकत जिले में दो या तीन खेलों पर लगाई जाए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए जाए, खेलकूद के मैदान तैयार किए जाए। आपका जिला खेलकूद में भी राज्य में पहले नंबर कैसे आए, देश में पहले नंबर कैसे आए, ये नेतृत्व आपको देना होगा। ज्यादा से ज्यादा खेलकूद की स्पर्धाएं होनी चाहिए, खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। देश के नौजवानों, अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, शहडोल आदिवासी क्षेत्र है, एक छोटा सा इलाका, 1000 से ज्यादा वहां फुटबॉल की टीमें हैं, 1000 से ज्यादा फुटबॉल क्लब है। और उसका परिणाम ये आया है कि उस इलाके में नशे वगैरह जैसी बदियां, बुरी बुरी चीजें प्रवेश नहीं कर पाई है। साथियों, ऐसे अनेक विषय हैं जिस पर आप लोग चर्चा कर सकते हैं, टारगेट तय कर सकते हैं, हर महीना उसका रिपोर्टिंग ले सकते हैं। और साथियों, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। हमको कहीं पर भी काम करने का जनता ने अवसर दिया, मतलब जी जान से जुटना ही है, परमात्मा की सेवा करने जैसा काम है। साथियों, आपके पास एक जिला पंचायत डेवलपमेंट प्लान भी होना चाहिए। इसमें आप तय समय में अपने लक्ष्यों को हासिल करने का रोडमैप बना सकते हैं। साथियों, भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर आपको पंचायत व्यवस्था का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। और मैं आप जिला के नेताओं से आग्रह करूंगा, आप सप्ताह में दो रात अपने क्षेत्र के किसी न किसी छोटे स्थान पर जाकर के रात को रुकना चाहिए, वहां के लोगों के साथ बैठना चाहिए। सप्ताह में 2 दिन, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप ये कर सकते हैं। कहीं गांव गए, रात को वापस आ गए, ऐसा नहीं, वहां रुकना मतलब रुकना है। आप देखिए, इतने से ही फर्क शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि आज केंद्र सरकार हर योजना के 100% सेचुरेशन का लक्ष्य लेकर चल रही है, और ये तभी संभव है
जब गांव-गांव में हम इस लक्ष्य को हासिल करें और जब हम 100% सभी हितकारी को 100% लाभ पहुंचाने में सफल होते हैं तो जातिवाद भी नहीं रहता है, परिवारवाद भी नहीं रहता है, मेरा तेरा भी नहीं रहता है, भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं रहती है, सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है, सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है। और इसलिए 100% ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। पिछले 9 वर्षों में किसानों के लिए बीज से बाजार तक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया है जिससे खेती की लागत कम हो और आय बढ़े। अब प्राकृतिक खेती, इस पर बड़ा बल दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है और ये मोदी की गारंटी है। देखिए कैसे काम होता है। 2019 में जब मैंने शुरू किया तो लोग कहते हैं तो चुनाव है जो कर रहे हैं। मोदी की गारंटी चुनावी वादे नहीं होती हैं। मोदी जब गारंटी देता है तो उसको जमीन पे उतार के रहता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,60,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में सीधे जमा कराए जा चुके हैं। यह आंकड़ा याद रखना, 2,60,000 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे किसानों को जो यूरिया 300 रुपये से कम में मिल रही है, लेकिन आपको पता है दरअसल उसकी कीमत क्या है? सारा खर्च सरकार अपने कंधों पर उठाती है, किसान के कंधे पर नहीं जाने देती है। आज दुनिया के कई देश हैं जहां एक यूरिया का थैला जो हम बोरी बेचते हैं ना, 300 से भी कम दुनिया में 3,000 में बिकती है। इतना पैसा सरकार बोझ उठाती है ताकि किसान पर बोझ न पड़े। नैनो यूरिया के द्वारा भी किसानों का ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाला खर्च कम होने वाला है। फसल बीमा योजना के जरिए भी किसानों को 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला है। अब 1,30,000 करोड़ पहले के जमाने में कोई होता, पूरे किसानों का पूरा बजट भी नहीं होता था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में 1,25,000 पूरे देश में 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र देश को समर्पित किए हैं। आपके जिले में भी सैकड़ों ऐसे केंद्र बने हैं। कभी जाइए वहां, उस केंद्र में जाके आधा घंटा बैठिए। इन केंद्रों पर एक ही जगह खाद, बीज, कृषि औजार, नई वैज्ञानिक पद्धति और सरकारी योजनाओं की जानकारी, ये सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है। केंद्र सरकार के ये सारे प्रयास किसानों का जीवन आसान बनाने, उनकी आय बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। आपको अपने क्षेत्र में इन सारी योजनाओं को किसान के पास खेत तक पहुंचाना है। सरकारी दफ्तरों में योजनाएं नहीं रहनी चाहिए, किसान के खेत तक पहुंचनी चाहिए, किसान के घर तक पहुंचनी चाहिए। लक्ष्य यही रखना है कि आपके क्षेत्र का एक भी किसान केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। साथियों, हमारी कई योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी दिख रहा है। पिछले 9 वर्षों में जन धन योजना के तहत करीब 50 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए। इस योजना के ज्यादातर लाभार्थी
हमारी माताएं बहनें ही हैं। मुद्रा लोन ने स्वयं सहायता समूहों को बढ़ाई गई आर्थिक मदद ने गांव की महिलाओं को स्वरोजगार का एक नया माध्यम दिया है। आपके गांव की प्रत्येक बहन बेटी तक पहुंचना है, उन्हें सरकार की योजनाओं से परिचित कराना है। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान भी चलाया हुआ है। जहां भाजपा के लोग सत्ता में है, क्या भाजपा का हर जिला पंचायत अध्यक्ष काउंसिल अध्यक्ष सुनिश्चित करें कि आपके जिले में कम से कम पांच गांव ऐसे हो जहां एक भी खेत में एक ग्राम भी केमिकल का उपयोग नहीं होगा। केमिकल फ्री फार्मिंग, न केमिकल फर्टिलाइजर होगा, न केमिकल दवाइयां होगी, प्राकृतिक खेती, पांच गांव करके देखिए आप। इसके लिए आप लगातार किसानों से मिले, उन्हें जो मदद चाहिए वो उपलब्ध कराएं, प्रशासन से भी सहयोग लें। साथियों, पीएम स्वामित्व योजना के जरिए देश की ग्रामीण आबादी को प्रॉपर्टी के दस्तावेज देने का अभियान तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने जहां भाजपा की सरकार है वहां इस पर अच्छा काम किया। पीएम स्वामित्व योजना को और गति देने के लिए भी आपका सहयोग आवश्यक है। जिन जिन गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड का काम पूरा हो रहा है वहां स्थानीय स्तर पर इसे सेलिब्रेट करें। प्रॉपर्टी कार्ड पाने वालों को अगर लोन की जरूरत है तो उनकी मदद करें। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के ग्रामीण क्षेत्र में एक नई डिजिटल क्रांति को जन्म दिया है। 2014 के पहले हमारे देश में 100 से भी कम ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई थी। आज भारत नेट के जरिए 2,00,000 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी है। गांव-गांव में खोले गए 5,00,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर रोजगार के भी और गांव वालों की सेवा के लिए भी एक बहुत विश्वस्त माध्यम बन रहे हैं। लोगों को अनेक सुविधाओं के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हमारे पंचायत भवनों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का लाभ क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ये भी आप सब साथियों ने सुनिश्चित करना चाहिए। साथियों, आप ये भी जानते हैं देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। इस योजना के ज्यादातर लाभार्थी देश के ग्रामीण इलाकों में हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आप दिवाली के पहले तय कीजिए कि 5-5, 10-10 गांवों का समूह वहां आयुष्मान भारत कार्ड जिनको मिला है, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड भारत का बेनिफिट लिया है, उनके सम्मेलन कीजिए और वो खुद बताएं कैसे उसको मदद मिली है, कैसे उसकी जिंदगी बच गई है। और आगे ये देखिए कि जो लोग छूट गए हैं, जो हितकारी है, अधिकारी है इसके, लेकिन छूट गए हैं, उनको पहुंचा करके
ये सेचुरेशन का काम पूरा करना चाहिए। बहुत बड़ा मानवता का काम है। आपके क्षेत्र में जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर बना रहे हैं उन्हें भी सुचारू रूप से चलाने में प्रशासन का सहयोग करें। इसी तरह आपको अपने जिलों में टेली मेडिसिन केंद्र स्थापित करने में भी सक्रियता से काम करना चाहिए। पिछले 2 साल में भारत सरकार की ई संजीवनी योजना की मदद से 14 करोड़ से ज्यादा बार लोग डॉक्टरों से कंसल्ट कर चुके हैं। भाजपा के हर जिला पंचायत सदस्य को अभियान चलाकर अपने क्षेत्र के हर गांव, गांव के हर घर तक ई संजीवनी योजना की जानकारी पहुंचानी चाहिए, ताकि उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर से सलाह मिल सकती है। आप कैंप लगाएं, आपके क्षेत्र में जो मेले होते हैं, बड़े पर्वों का आयोजन होता है, उसमें भी ई संजीवनी योजना का प्रचार प्रसार करें। साथियों, आज हजारों पैक्स के जरिए किसानों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। अगले 5 साल में 2 लाख गांवों में मल्टीपर्पज पैक्स, प्राइमरी फिशरीज सोसाइटीज, डेयरी कोऑपरेटिव्स ये बनने वाले हैं। इसमें आपकी भूमिका निर्णायक होगी। आप जानते हैं देश में भंडारण क्षमता को जो बढ़ाया जा रहा है, इसका संबंध इनसे आने वाला है। आप जल्दी से जल्दी ऐसी समितियां बना दीजिए। आप अपने जिले में ज्यादा से ज्यादा कैशलेस गांव बनाने का भी लक्ष्य बनाइए। आप अपने जिलों में बने अमृत सरोवरों को अब सूखने नहीं देना है। उसमें मिट्टी भर जाए, कूड़ा कचरा भर जाए, ये किसी भी हाल में होने नहीं देना है। और ये अमृत सरोवर बनाते जाना है। ये प्रकृति की रक्षा के लिए पानी की ताकत बहुत काम आने वाली है। और ऐसे अमृत सरोवर को तो इतना विकसित किया जा सकता है कि वो छोटे छोटे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हो सकते हैं। कैसे आप ग्रामीण पर्यटन, पार्कों का विकास, ऐतिहासिक स्मारकों का रखरखाव, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करें। मेरे लद्दाख के जो साथी इस बैठक में शामिल हुए हैं, उनके लिए ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे अभियान विशेष तौर पर बहुत लाभकारी है। साथियों, कल ही आपने ये भी देखा है कि देश में 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को अमृत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित करने का काम शुरुआत हुई है। इस अभियान पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप भी अपने क्षेत्र में इस अभियान को गांव गांव लेकर जाइए। आप अपने जिले में रेलवे स्टेशनों के स्थापना दिवस पर भी समारोह आयोजित कर सकते हैं। जरा जानकारी लीजिए, कौन सा रेलवे स्टेशन कब बना था, कब से ट्रेनें आने लगी हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उसके साफ सफाई में गांव वाले भी जुड़ेंगे, आपके बस स्टेशन होंगे, वो भी अब साफ सुथरे क्यों ना हो। ये जितना ज्यादा आप करोगे, मैं समझता हूं बहुत लाभ होगा। इससे इतिहास और भविष्य दोनों के साथ आपके क्षेत्र के लोगों का तालमेल बना रहेगा। साथियों, आज का दिन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काफी अहम दिन रहा है। आज ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
भाजपा के हर पंचायत सदस्य को लोकल के लिए वोकल होना है, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। अब जेम पोर्टल आपको मालूम है, मैं तो चाहता हूं कि आपके जिला परिषद में हर चीज जेम पोर्टल से ही खरीदी जाए। आपके अफसरों को काम पे लगाइए, बहुत पैसा बचेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और डिलीवरी तुरंत होगी और स्थानीय उत्पाद मिलेगा। अब जैसे आज नेशनल हैंडलूम डे है, अब देखिए आने वाले दिनों में रक्षाबंधन आएगा, गणेश उत्सव आएगा, दीपावली आएगी। इन पर्वों में हमें स्वदेशी के संकल्प को याद रखना है, भारत में बने उत्पादों को ही खरीदना है। साथियों, एक दिन बाद ही 9 अगस्त है और ये दिन फिट इंडिया मूवमेंट के लिए याद किया जाता है। गांधी जी के आह्वान पर फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और पूरा देश अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसी तरह हमें भी इस 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट को समर्पित आंदोलन प्रारंभ करना है। पूरे देश में से एक ही आवाज उठनी चाहिए, करप्शन क्विट इंडिया। हर बच्चा बच्चा एक ही बात बोले, डायनेस्टी क्विट इंडिया। माताएं बहने, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, गांव हो, शहर हो, चारों तरफ अब एक ही बात चाहिए, अपीजमेंट क्विट इंडिया। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार 15 अगस्त पर पूरे देश ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आपकी पंचायत में, आपके क्षेत्र में भी हर घर पर तिरंगा फहरे, इसके लिए आपको, आपकी टीम को, सरकार के सभी विभागों ने मिलजुल करके आने वाले 4-6 दिन पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। साथियों, आपको विनम्र रहकर संगठन के लोगों से, कार्यकर्ताओं से समन्वय बनाकर रहने का क्या लाभ होता है, ये भलीभांति पता है और आप करते भी हैं। मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। आप यहां तक पहुंचे हैं, सफल हुए, उसका कारण यही है कि आपने संगठन का महत्व रखा है, आपने कार्यकर्ताओं की महत्ता समझी है और कार्यकर्ता और संगठन हमारी शक्ति है, हमारी योजनाओं को नीचे ले जाने के लिए काम आते हैं, नीचे कुछ गड़बड़ चल रही है तो पता लगाने में काम आते हैं। और इसलिए ये हमारा जीवंत संपर्क, नीचे तक जिसका जीवंत संपर्क होता है उसका लाभ आपने देखा है। आज देश में भाजपा की वो छवि बन गई है जिसमें गरीब को विश्वास है, और आप भी अनुभव करते होंगे। और गरीब को विश्वास क्या है आप देख लेना, आपके अपने जिले में जाएंगे तो पता चलेगा। गरीब को एक पक्का विश्वास है, जहां कमल का निशान है वहां गरीब कल्याण है, जहां कमल का निशान है वहां गरीब की मदद है, जहां कमल का निशान है वहां हर इंसान की शान है, जहां कमल का निशान है वहां किसी गरीब को भटकना नहीं पड़ता है। आपको अपने कार्यालय की पहचान भी ऐसी ही बनानी चाहिए। सेवा भाव ही आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके प्रयास बढ़ेंगे तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। मुझे विश्वास है इस कार्यशाला के द्वारा हम विकसित भारत के निर्माण में
जिला पंचायतों की भूमिका को नई दिशा दे सकेंगे। एक बार फिर मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम की योजना के लिए, और मुझे पक्का विश्वास है कि दो दिन के वर्कशॉप के बाद जब आप वापस आएंगे तब अपने जिले में नई ऊर्जा नई प्रेरणा तो होगी, लेकिन काम करने के नई चीजें भी लेकर के जाएंगे जो आपके जिले के सामान्य से सामान्य नागरिक के भलाई करेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।